तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करके किसी भी आगे डिग्री या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका मेडिकल लाइन या फिर आपका इंजीनियरिंग या फिर लॉयर या फिर कोई भी आप हायर स्टडी के लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा लेना चाहते हैं और आप इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं कि ये अप्रूव्ड क्या है। जैसे अगर आप किसी भी फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सभी लोग यही चीज़ बोलते हैं कि आप प्रॉपर ये चेक कर लीजिएगा कि क्या फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी कि PCI अप्रूव्ड आपका कॉलेज यानी जो भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो है या फिर नहीं है। और साथ में ही अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एक अप्रूव की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरत रहती है, हर लोग ये चीज़ बोलते हैं। जैसे आप किसी भी लॉयर के डिग्री में जैसे आप BA LLB या फिर LLB वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको बोला जाता है कि बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया चेक कर लीजिएगा अप्रूव्ड है आपका कॉलेज कि नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझाएंगे कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी अप्रूव की ज़रूरत रहती है और साथ में ही जैसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उसमें किसकी अप्रूव की ज़रूरत होती है और आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें कौन सी अप्रूव की ज़रूरत होती है, और साथ में अगर आप अप्रूव्ड नहीं रहता आपका कॉलेज तो आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है वो एक फेक डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको मिलता है लास्ट में, जैसे उसका वैलिड नहीं रहता है आपका। अगर जैसे फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नहीं है आपका कॉलेज और आप उससे फार्मेसी कर लेते हैं तो आपका जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा आप करते हैं वो एक तरह से आपका फेक डिग्री या डिप्लोमा आपको मिलेगा लास्ट में। तो इसको टोटल समझने के लिए एग्जांपल हम देंगे दो का, पहले एक देते हैं इंस्टीट्यूट का उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से आप कोई भी खाने पीने के पैकेट पे देखते होंगे कि FSSAI का लोगो आपको दिखता होगा तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वो क्या है, तो वही रहता है दोस्तों जो आप लोग खाने पीने के पैकेट पे देखते हैं FSSAI, तो वो होता है एक तरह का अप्रूव, जैसे उसका लाइसेंस मिलता है उस कंपनी को जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे आप वो चीज़ देखते हैं। तो उसमें क्या है कि उसके क्वालिटी का वहाँ पर टेस्ट होता है, लैब टेस्ट, कि हाँ ये का वाकई में खाने लायक है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से आप किसी भी कोर्स में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आप फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो PCI अप्रूव्ड यानी कि PCI फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो है वहां पे उस कॉलेज में प्रॉपर चेक करती है कि क्या ये फार्मेसी के पढ़ाई करने लायक जो एक कॉलेज है, इस कॉलेज में फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट को चाहिए वो चीज है या फिर नहीं है, तो वही चीज़ वो टेस्ट करता है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ चेक करता है वो काउंसलिंग जो है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं इंस्टीट्यूट का और इसके बाद एग्जांपल देंगे आप लोग को एक यूनिवर्सिटी का। तो समझ लीजिए कि आप लोग, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, डायरेक्टली आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है जो कि उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे होती है BTech और पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma और नर्सिंग पढ़ाई जैसे ANM या फिर GNM। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझने की बात यह है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ कहाँ से अप्रूव होना चाहिए तभी सभी कोर्स वैलिड रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जो है कि BTech की। BTech के लिए देखिए AICTE अप्रूव होना चाहिए और साथ में ही एक यूनिवर्सिटी अप्रूव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जैसे BTech कहें या फिर B Pharma करें, दोनों का यूनिवर्सिटी सेम ही है, और साथ में अगर BTech आप करना चाहते हैं तो AICTE अप्रूव होना चाहिए जो कि टेक्निकल के लिए होता है और साथ में ही फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से वहाँ हम अगर D Pharma की पढ़ाई करते हैं तो D Pharma को पहले आप लोगों को बताया था कि D Pharma एक बोर्ड है, मतलब D Pharma हर एक स्टेट में एक बोर्ड होता है और साथ में ही कुछ यूनिवर्सिटी भी होती हैं। तो अगर जो कि उस उत्तर प्रदेश स्टेट या फिर किसी भी स्टेट में D Pharma का एक बोर्ड है तो वो बोर्ड से ही अप्रूव रहेगा, जैसा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। और साथ में ही अगर B Pharma की बात करें या फिर BTech की बात करें तो क्या है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में ही स्थित है, इन दोनों से अप्रूव्ड है। तो आप समझ लीजिए कि मेरे कॉलेज में जो है कि पॉलिटेक्निक और D Pharma दोनों बोर्ड से होता है तो BTE हो गया, और साथ में ही पॉलिटेक्निक के लिए AICTE भी जरूरी है और D Pharma के लिए फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो कि प्रोवाइड करेगा आपका बोर्ड, आपको जो है कि लास्ट में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है जब आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाता है D Pharma का, तो डिप्लोमा का जो भी आपका है वो आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ BTE। और वही चीज़ जो कॉलेज की आपका देख रेख है वो प्रॉपर मेंटेन करता है PCI फार्मेसी
काउंसलिंग ऑफ इंडिया कि क्या आपका कॉलेज डी फार्मा कराने लायक है या फिर नहीं है। तो उसी तरह से वहाँ पे बी फार्मा हो गया कि बी फार्मा आपका डॉक्टर APW कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बी फार्मा और बी टेक और साथ में ही जो आपका फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव होना ही चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो कि उसका भी ऑनलाइन हो रहा था, मैं उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो पर अपने जो कि चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, हालांकि आप लोग देखे होंगे, तो हो गया साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, तो दोनों से अप्रूव्ड है। तो नर्सिंग भी आप कर सकते हैं और बी फार्मा भी कर सकते हैं, डी फार्मा भी कर सकते हैं, साथ में बीटेक और पॉलिटेक्निक। तो इसके बाद बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी की। देखिए मैं सभी कोर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर सभी कोर्स का नाम लिया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। जैसे अगर मेरे ही कॉलेज में एग्जाम्पल के समझिए कि उसी इंस्टीट्यूट में अगर DMLT BMLT की पढ़ाई होती है तो जो है कि जो आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड होना चाहिए मेरा कॉलेज। इसके साथ ही बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी की कि मेरे पास एक कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी जो है कि UGC होता है, समझिए कि जो यूनिवर्सिटी गाइड कमीशन है UGC अप्रूव्ड जो है कि कोई यूनिवर्सिटी होती है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का सिलेबस डिसाइड कर सकती है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर अपने हिसाब से एक अलग टाइप पे आपको कुछ ना कुछ सिलेबस मिलेगा। हालांकि इतना चेंजिंग नहीं रहता, जैसे अगर आप समझेंगे कि क्या मैं बोर्ड से भी डी फार्मा करता और साथ में ही मैं उस यूनिवर्सिटी से करूँगा तो क्या यूनिवर्सिटी और बोर्ड में डिफरेंस सिलेबस का रहेगा, तो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सिलेबस आगे पीछे आपके हो सकते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर आपका इधर के उधर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में बोर्ड के कंपेरिजन में। और साथ में आपको बताऊं कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी को डी फार्मा के लिए किसी भी बोर्ड से अप्रूव की जरूरत नहीं है, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि इंस्टीट्यूट के लिए आवश्यकता था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए केवल आवश्यकता है आपका PCI फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, और साथ में ही अगर वहाँ पे बी फार्मा की भी पढ़ाई होती है तो बी फार्मा के लिए भी वहाँ पे किसी भी अदर जो है कि यूनिवर्सिटी से अप्रूव की जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर APJ कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो खुद एक यूनिवर्सिटी है और उसको जो है कि UGC का अप्रूव्ड है। और इसी तरह से अगर आप वहाँ से बीटेक करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल जो है AICTE की अप्रूव की जरूरत है और सिलेबस खुद का डिसाइड करेगी, किसी भी इंस्टीट्यूट जो है कि अदर उसको कोई भी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप वहाँ पर मेडिकल का कोर्स है, कोई भी MBBS होता है, तो वहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव की जरूरत है। उसी तरह से अगर वहाँ पे कोई लॉयर का कोर्स होता है जैसे BA LLB या फिर LLB तब बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव्ड की जरूरत है। तो इसी तरह से होता है अगर वहीं पे भी मान के चलिए कि कोई वेटनरी का कोर्स होता है जैसे BBOCNAH, तो आप वहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का भी अप्रूव की जरूरत है। तो संभवतः सभी कोर्स को बताना यहाँ पे संभव नहीं है एक वीडियो में, कि अगर आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए स्पेशल आपको पता करना पड़ेगा कि इस कोर्स में, यानी कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स को किस चीज़ की अप्रूव की जरूरत है। एक वीडियो में ये चीज़ बता पाना संभव नहीं है, जिस तरह से अभी अगर और भी मैं बोलूँ तो बहुत है, जैसे CCH हो गया, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक के लिए CCH की जरूरत पड़ती है, तो इसी तरह से बहुत से हैं। तो आप प्रॉपर जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि इस कोर्स की किस किस चीज़ की अप्रूव की जरूरत होती है। और हाँ एक बात और आप लोग को बोल दूँ कि आप लोग बहुत लोग कन्फ्यूज ये रहते हैं, जैसे एक भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया था हाल ही में कि सर ये बताइए कि मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी MCI अप्रूव्ड मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, शायद उनके नियर अबाउट में कोई यूनिवर्सिटी होगी, उन्होंने वहाँ पे पता कर रखा था और बोल रहे हैं कि ये MCI अप्रूव्ड है लेकिन यहाँ पे डी फार्मा होता है जबकि PCI अप्रूव्ड नहीं है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी को MCI अप्रूव्ड हो गया है तो फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया आसानी से अप्रूव हो सकता है, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी कि वहाँ पे MBBS होता है, तो डी फार्मा बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप MBBS का कंपेरिजन करें तो वहाँ पे आपको मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको देखने की जरूरत है फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि आप फार्मेसी करना चाहते हैं और फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव की जरूरत है। तो संभवतः आप लोग को सभी चीज़ समझ में आ गया होगा मैं जितना भी बताया आप लोग को। और भी आप जिस भी कोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं और जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में स्पेशल से नॉलेज लीजिए और उसका जो भी जानकारी चाहिए वो लीजिए कि कौन से अप्रूव की जरूरत है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो संभवतः ये वीडियो आप लोग को जो है कि थोड़ा अच्छी लगी होगी और इससे आप लोग को काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जो है कि, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।